हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की आज की एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एलटी शिक्षक पदों को लेकर क्या बड़ी खबर है वो आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट। तो देखिए दोस्तों, 10 महीने से यहाँ पर ज्वाइनिंग को भटक रहे एलटी शिक्षक। तो यहाँ पर देखते हैं, एलटी शिक्षक 10 महीने से यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग नहीं हो रखी है, लगभग 11 महीने हो चुके हैं समझ लीजिए, क्योंकि पिछले दिसंबर में इनका यहाँ पर जो है नियुक्ति सॉरी आपका रिजल्ट आया था। उसके बाद आपकी अभी हाल ही में लगभग 5-6 महीने हो चुके होंगे, लगभग इनकी काउंसलिंग हो चुकी थी, तब से अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। और यहाँ पर देख सकते हैं, कई वर्षों से मेहनत के बाद जो यहाँ पर एलटी चयन परीक्षा पास करने वाले युवा यहाँ ज्वाइनिंग लेटर को यहाँ पर जो है पाने को लेकर बताया गया कि भटक रहे हैं। और 5 सितंबर से यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर धरना यहाँ पर रद्द हैं। और वहीं यहाँ पर चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनकी सुनवाई ना तो यहाँ पर शिक्षा विभाग कर रहा है, ना यहाँ पर योग्यता परसी सरकार रवैये से यहाँ पर परेशान है बताया जा रहा है। अभ्यर्थी ने यहाँ पर जो है जल्द कार्रवाई नहीं होने पर यहाँ पर जो है आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर देखते हैं, लगातार यहाँ पर चेतावनी दी है और कई समय से संघर्षशील रहे भी हैं और लगातार यहाँ पर जो है संघर्ष कर भी रहे हैं। और चयन को लेकर इनकी मांग चली हुई है, शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन या आपके सीएम कूच भी किया था इन्होंने। तो यहाँ पर एलटी चयन अभ्यर्थी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अंकित डंगवाल का कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों के जो है सब्र का यहाँ पर बांध टूट रहा है। और यहाँ पर बताया गया एक और यहाँ पर बेरोजगारों के यहाँ पर दावे किए जाते हैं, जो वहीं बेरोजगार के दावे किए जाते हैं और वहीं यहाँ पर दूसरे जो है रोजगार के लिए पात्र हो चुके हैं, उन्हें जो यहाँ पर रोजगार दिया नहीं जा रहा बताया जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पर आरोप लगाए हैं। और यहाँ पर जो है जो अंकित ने कहा कि आप जो है यहाँ पर एसटीएफ एलटी भर्ती को यहाँ पर क्लीन चिट दे चुके हैं बताया गया है। और वहीं यहाँ पर योग्यता परसी अपने स्तर से यहाँ पर जांच कर रहा है, पहले जांच रिपोर्ट 15 नवंबर तक आने की बात थी और फिर 25 नवंबर कर दिया गया था। और अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर 5 दिसंबर तक रिपोर्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 दिसंबर तक बताया जा रहा है। और इसमें यहाँ पर ये भी कहा गया है कि यहाँ पर कि जो मामला है लगभग जो है 1400 पदों का मामला है और यहाँ पर 2020 से भर्ती निकाली गई थी, तो 22 तो हो जा ही चुका है, 23 मतलब 3 साल पूरे लग रहे हैं, अभी तक जो है नियुक्ति नहीं मिल रखी है। तो इस तरह का यहाँ पर आरोप लगा रखा है और जल्द नियुक्ति की मांग करी जा रही है। और योग्यता परसी इसकी रिपोर्ट अब तक यहाँ पर नहीं पेश की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि 5 दिसंबर तक जो है रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई है। तो 5 दिसंबर तक अब आ रही है बाद में, पहले 15 का था फिर 25 नवंबर का था, अब 5 दिसंबर कहा गया है योग्यता परसी संपर्क करने के बाद से। तो इस तरह का यहाँ पर अपडेट जारी किया गया है आयोग। और यहाँ पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा इस तरह की मांग भी करी जा रही है, तब नियुक्ति मिल गई और आयोग से क्या अपडेट मिला है उनको वो भी बताया है चयनित अभ्यर्थियों ने।